हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। बांदा शहर के अयोध्या वासी मंदिर में 3 दिवसीय श्री सीताराम विवाह के अंतिम दिन कलेवा में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूपों को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए और इसके बाद विदाई की रस्म हुई। विवाह पंचमी से शुरू हुए श्री सीताराम विवाह के पहले दिन मंडपाच्छादन, मातृ पूजन और रविवार को धूमधाम से भगवान श्री राम की बारात निकली। दोपहर बाद बारात मंदिर आई, यहां कमलेश कुमार गुप्त के परिजनों ने विवाह की रस्में पूरी की। इसके बाद रात भर जयमाल, पैर पूजी, भावरे एवं अन्य रस्में चलती रही। सोमवार को बारात विदा होने से पहले भगवान राम व उनके भाइयों के स्वरूपों को कलेवा में 56 भोग परोसे गए। यह कार्यक्रम मंगल गीत एवं आरती पूजन के साथ संपन्न हुए। उपस्थित महिलाओं ने मंगल गान एवं अवधि भजनों के साथ नृत्य भी किया और प्रसाद वितरण भी किया गया। अंत में विदाई की रस्म भी हुई जिसमें कन्या पक्ष के लोगों की आंखों में आंसू भराए। ओम अचलेश्वर ज्योतिष केंद्र, अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान। ज्योतिष के माध्यम से छोटे एवं सरल उपायों द्वारा घर बैठे पाए फोन के माध्यम से जन्म कुंडली के द्वारा समस्या का समाधान। ज्योतिष आचार्य राजकृष्ण शास्त्री, प्रेम नगर, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7309628156 8400400304। आनंद, उत्साह और भक्ति की भावना से भरे भक्तों की आंखों से बहते अश्रु ये बयां कर रहे थे कि उन्हें इस बात का कितना मलाल है कि वह त्रेता युग में भी श्री राम व माँ जानकी के विवाह से वंचित क्यों रह गए। खैर, तीर्थ नगरी के भक्तों ने कलयुग में ही त्रेता युग के दर्शन कर श्री राम जी के विवाह का आनंद लिया। धर्म नगरी में भी लगभग 1 दर्जन स्थानों से श्री राम जी की बारात उठी। कहीं बैंड बाजो तो कहीं ढोल नगाड़ों तो कहीं शंख घड़ियालों की थापों से उठी बरातों में बराती जमकर नृत्य कर रहे थे। पुरुष व बच्चों के साथ महिलाओं का नृत्य भी देखते ही बन रहा था। वैसे तो विवाह पंचमी के अवसर पर श्री राम जी के विवाह की चित्रकूट में रस्म पुरानी है। बिजावर मंदिर से निकली बारात उत्तर प्रदेश के महाराज मतगेंद्र नाथ की परिक्रमा कर मालाधारी आश्रम पहुंची, तो बालाजी मंदिर से निकली बारात राम जानकी मंदिर पहुंची। बिजावर मंदिर के बारात की खास बात यह रही कि श्री राम जी को पालकी पर लाया गया। जानकी कुंड व परिक्रमा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर श्री राम बारात निकली। बारात में बराती देर रात तक झूमते हुए जनक जी के घर पहुंचे। यहां पर बारात का स्वागत किया गया। इसके बाद टीका के बाद बारातियों का स्वागत जलपान व मिष्ठान से किया गया। इसके बाद विवाह की अन्य रस्में निभाई गईं। सुबह के समय विदा के साथ मंदिरों में भंडारा हुआ। यह भंडारा देर रात तक चलते रहे। ओम अचलेश्वर ज्योतिष केंद्र, अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान। ज्योतिष के माध्यम से छोटे एवं सरल उपायों द्वारा घर बैठे पाए फोन के माध्यम से जन्म कुंडली के द्वारा समस्या का समाधान। ज्योतिष आचार्य राजकृष्ण शास्त्री, प्रेम नगर, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7309628156 8400400304। भारत सरकार ने 3 तलाक मामले में मुस्लिम महिलाओं को सहूलियत देने, उन्हें उनका अधिकार देने और इस कुप्रथा से निजात दिलाने के लिए नया कानून बनाया और कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान रखा ताकि मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से निजात मिल सके। लेकिन 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं पुलिस की भागीदारी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं जहां मटौन थाना अंतर्गत 3 तलाक पीड़िता दर दर भटक रही है और पुलिस है कि मामला दर्ज ही नहीं कर रही।
वहीं बिसंडा थाना अंतर्गत विवाहिता के एक भी लड़के न होने के चलते उसका शौहर उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। इस मामले में भी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। मटौन थाना अंतर्गत आई 3 तलाक पीड़िता ने बताया कि खेत में धान काटने के बाद वह जब घर पहुंच आराम करने लगी, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके चलते पति ने पीड़िता को 3 तलाक दे दिया। वहीं जब इस शिकायत को लेकर पुलिस के पास पहुंची, तो पुलिस ने पीड़िता की एक भी नहीं सुनी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। वो धान काटने गए थे खेत में, तो धान काटते काटते झगड़ा हुआ था, बस थोड़ा सा रेस्ट लेने लगे तो उसी में बस मारपीट करने लगे और कहने लगे तुम तुरंत थक जाती हो। तो हमने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें, 2-4 घंटे धान काटे हैं, फिर उसके बाद सुता लें, फिर काटेंगे। इसी बात में मारपीट करके बस उन्होंने तलाक दे दी कि तेरी तलाक हो गई, जाओ इस शहर से भाग, मारपीट करके भगा दिया। आज हम एसपी के पास आए हैं इसी वजह से। एसपी साहब ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, मुकदमा लिखवाना चाहती हो? मैंने कहा जी। वहीं ऐसा ही एक मामला बिसंडा थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां पीड़िता का पति केवल इसलिए तलाक देने और दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है क्योंकि महिला के 5 बेटियां हैं और एक भी लड़के नहीं, जिसके चलते पति हर समय महिला को तलाक देने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। क्योंकि हम 6 बहनें हैं, हमारे पास भाई नहीं है, इसलिए तलाक देने की धमकी देते हैं, बार बार बोल रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे। मारता पीटता है, मेरी 6 लड़कियां हैं, लड़के नहीं है, इसलिए फैसला तलाक देने की धमकी दे रहा है, मार के निकाल देता है बार बार। लड़की कहते हैं मेरे को लड़का चाहिए, लड़की नहीं है, 15 साल हुए मेरी शादी के। वहीं जब इसी मामले में पुलिस से बात की गई, तो बमुश्किल अपर पुलिस अधीक्षक कैमरे के सामने आने को तैयार हुए, फिर भी उन्होंने इस मामले पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मामले संदिग्ध हैं, इनकी सही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला अभी हमारे पास आया था और इस मामले में चूंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर जाँच करवा। ओम अचलेश्वर ज्योतिष केंद्र, अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान। ज्योतिष के माध्यम से छोटे एवं सरल उपायों द्वारा घर बैठे पाए, फोन के माध्यम से जन्म कुंडली के द्वारा समस्या का समाधान। ज्योतिष आचार्य राजकृष्ण शास्त्री, प्रेम नगर, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7309628156 8400403024। घटना चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के टिकरा गाँव की है। एक शादी समारोह कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस चल रहा था, तभी ग्राम प्रधान के रिश्तेदार का डांस को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने के चलते ग्राम प्रधान के रिश्तेदार ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसे 3 लोगों को गोली लग गई। इसमें एक ऑर्केस्ट्रा डांसर गंभीर रूप से घायल हो गई, तो 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल महिला को आनंद फानंद में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि मऊ थाना क्षेत्र के टिकरा ग्राम प्रधान सुधीर सिंह के बेटे की शादी थी, जो बारात मानिकपुर से टिकरा गांव पहुंची थी, जिसमें लड़के पक्ष ने डांसरों को डांस करने के लिए हमीरपुर से बुलाया था, जिसमें कार्यक्रम के दौरान बालाएं डांस कर रही थी। तभी ग्राम प्रधान का एक रिश्तेदार स्टेज में डांस करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिससे ग्राम प्रधान के रिश्तेदार ने अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे स्टेज में डांस कर रही हिना नाम की ऑर्केस्ट्रा डांसर को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को और गोली लगी है, जिनकी चोट मामूली बताई जा रही है। तो वहीं गंभीर रूप से घायल हुई डांसर हिना को आनंद फानंद में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पाकर मऊ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की शिनाख्त कर उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। हम साथ में रहेंगे, हमारा भाई और ये सब लोग कार्यक्रम में आए थे। रात में 12 बजे हमारे पास फोन पहुंचा कि आके भाई की और बीवी की गोली लग गई, तो उसके कारण जैसे हमने समझा, हमने वहाँ पे गाड़ी से तुरंत क्या घटना हुई, बीवी के पास चले रहे थे तो हमारी लड़कियाँ डांस कर रही थी, डांस करते हुए था दूसरे लड़के ने 2 लड़का की वो पाई है, इसलिए डांस उसने ऊपर फायर कर दिए, उनसे दोबारा में सीधे पूरी सामने मार दी लड़की को, उसकी पूरी चौबरी निकल के चली गई। ये गांव टिकरा है, यहाँ पर रात में जो है बारात में किसी लड़के ने जो है एक फायर किया, जिसमें जो है 3 लोगों को चोट लगी थी। जो है रात में जो लड़के को बारातियों ने पकड़ लिया था, ये कन्फ्यूजन रहा रात में, दोनों पक्षों से दोनों कहते कि हम नहीं जानते, जबकि घराती के तरफ से लड़का था, जो जिसके यहाँ शादी बारात आई हुई है, उन्हीं के किसी रिश्तेदार का लड़का था,
जो कि कौशाम्बी का रहने वाला था, उसका पता चल गया है और उसकी हम गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। ओम अचलेश्वर ज्योतिष केंद्र, अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान। ज्योतिष के माध्यम से छोटे एवं सरल उपायों द्वारा घर बैठे पाए, फोन के माध्यम से जन्म कुंडली के द्वारा समस्या का समाधान। ज्योतिष आचार्य राजकृष्ण शास्त्री, प्रेम नगर, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7309628156 8400400302। बांदा पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी ने मंडल कारागार का रविवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर सुधार के सख्त निर्देश भी दिए। बांदा मंडल कारागार में सुरक्षा व्यवस्था व तमाम व्यवस्थाओं की जांच के लिए रविवार को पुलिस अधीक्षक गणेश साहा व अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुलाकात की प्रक्रिया, सीसीटीवी कैमरे, जैमर व बंदियों के रखरखाव आदि व्यवस्थाओं पर जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ कमियां मिली हैं, जिसके लिए जेल प्रशासन को सुधार के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही मुलाकातियों की भीड़ बढ़ने पर उसको संभालने के तरीके पर जोर दिया गया। मंडल कारागार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस पर कड़े निर्देश दिए गए। बता दें कि पिछले दिनों मंडल कारागार बांदा में एक मुलाकाती के पास से कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद से लगातार मंडल कारागार की सुरक्षा को लेकर चेकिंग व निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देखिए, निरीक्षण था और आकस्मिक ही कह सकते हैं, जेल में आया गया। ये देखा गया कि जो जेल के व्यवस्थाएं हैं, मुलाकाती हैं, वो सही से मुलाकात हो रही कि नहीं हो रही है। और दूसरा ये था कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर जैमर लगे हुए हैं, जो चेकिंग फिक्सिंग के लिए चीज़ें हैं, वो इंस्टॉल है कि नहीं। थोड़ी बहुत खामियाँ थी, वो खामियाँ ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो सही जगह में भीड़ के कारण HMD अपने DT FMD सब अपने जगह पे रखा हुआ नहीं था, तो बता दिया गया कि इसको हमेशा रखें। भीड़ बढ़ने की स्थिति में ये बताया गया है कि अब बारी बारी ही एंट्री करवाएं, और क्योंकि ज़्यादा एक साथ भीड़ होना भी अव्यवस्था का परिचायक है। अन्य चीज़ें ठीक थी, बहुत चीज़ें मौके पर बता दी गई है, इसमें ये लोग ध्यान देंगे।